Good morning students, so today we will start with our HTML. This is the first practical in HTML. You have to write all the things in the angles. So first of all, you have to write doc type HTML. So what is the doc type? Doc type actually is a declaration, represents the document type and help browsers to display web pages correctly. First of all, we have to write the basic structure, right? पहले मैं आपको basic structure लिख कर दिखाऊँ कि basic structure क्या था. HTML starting और opening tags and HTML closing tag. Then आपको लिखना है HTML के बाद जो आता है आपका आता है head tag. हेड टैग स्टार्टिंग एंड हेड टैग क्लोजिंग. मैं साथ साथ इसलिए क्लोज करती हूँ, ये याद रहता है. अगर आप क्लोजिंग नहीं करते तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करता. क्लियर? तो हेड टैग और हेड टैग के अंदर आता है आपका टाइटल टैग. फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल्स के ऊपर वेबसाइट्स बनानी है, स्कूल्स ही नहीं बना कर टाइटल टैग मैंने हेडिंग दे दिया स्कूल इन यमुनानगर. राइट एंड टाइटल क्लोज. टाइटल क्लोज हो गया. नाउ यू हैव टू सेव योर फाइल. फाइल को सेव करना है. डेस्कटॉप पर एक HTML का फोल्डर बना है, आपने उस फोल्डर पर ये फाइल को सेव करना. और इस फाइल का मैंने नाम दे दिया है स्कूल डॉट HTML. अब चेक करते हैं. मिनिमाइज योर फाइल. फाइल को माइज करना है. ओपन योर ब्राउजर. ब्राउजर पर कर ले. सॉरी, सबसे पहले आपको अपना ऐसा जो फोल्डर है उसको ओपन करना है. चेक करते हैं, यहाँ पर आ गए ना स्कूल. ये फाइल बनाई थी स्कूल, तो आपने स्कूल को ओपन कर लिया और आ गया ना टाइटल में स्कूल से यमुनानगर. क्लियर? नाउ अगेन गो टू योर नोट पैड. आप नोट पैड पर गए. आप मेन वर्क करना है और वो वर्क होता है आपका बॉडी टैग में. क्लियर? बॉडी टैग का स्टार्टिंग क्लोज, स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग. अब यहाँ पर आपको वर्क करना, जितना भी वर्क होता है वो बॉडी टैग में करते हैं. मैक्सिमम आपका वर्क बॉडी टैग में आता है. हेड टैग में जब आप कोई CSS कास्केडिंग स्टाइल्स यूज़ करते हैं तब एक्चुअली हेड टैग में भी यूज़ होता है. होता क्या है कि जो आपके पेजेस होते हैं HTML में, जो वेब पेजेस होते हैं, एक्चुअली वो टू टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक. स्टैटिक जो टैग होता है वो HTML से बन जाता है, CSS से आपके स्टाइल्स होते हैं. HTML में जस्ट आप वेब पेज का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं. CSS स्टाइल्स मीन्स हाउ ब्यूटिफुली योर वेब पेज लुक्स. तो वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्टाइल्स के लिए, इमेजेस के लिए. और जो थर्ड एलिमेंट्स होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज़ द जावास्क्रिप्ट, जो आपके पेज को मोर डायनेमिक बनाते हैं. डायनेमिक कैसे होते हैं? जब आप यूज़र से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर उसका रिप्लाई करता है, आप क्यूरीज करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, अदर्स वो होते हैं, तो वो आपका सारा जावास्क्रिप्ट में होता है. क्लियर? नाउ सबसे पहले हमने लिखा है स्कूल से यमुनानगर, और सबसे पहले हम हेडिंग लिखना सीखेंगे. हेडिंग होता है, हेडिंग के लिए आपके पास होता है एच टैग H1, H1 टू H6 हमारे पास हेडिंग होता है. रिमेंबर रखिए, हेडिंग से H1. H1 में मैंने स्कूल लिया SVPS. ये स्कूल है, मुझे इस स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है. इस स्कूल के बारे में HTML पेज बनाना है और इसको क्लोज में पूरा लिख देती हूँ. SVPS 17 खुदा. क्लियर? अब चेक करते हैं क्या मेरा हेडिंग आया. कंट्रोल एस से सेव. यू हैव टू सेव योर फाइल एंड गो टू द ब्राउजर. ब्राउजर पर जाना है, रिफ्रेश योर पेज. आपको यहाँ से रिफ्रेश ना पेज करना है. आगे SVPS खुदा. नाउ लेट्स चेक व्हाट हैपन इफ आई चेंज द हेडिंग. अब हेडिंग मान लीजिए मैं यहाँ H3 कर देती हूँ. ये 1 से लेकर 6 तक होते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको लगता है. और ये देखो टैग ने गलत लिखा था, यहाँ पर मुझे ये गलत था, मुझे H3 क्लोज करना है. राइट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, स्मॉल हो गया.
और लास्ट जो टैग है वो चेक कर लेते हैं एच सिक्स में क्या होता है। एच वन एच सिक्स सिक्स टैग लिया, नाउ क्लोज द सिक्स वन, सिक्स को आपने क्लोज कर दिया, सेव योर फाइल, अगेन गो टू द ब्राउजर एंड रिफ्रेश योर ब्राउजर, राइट। बट मुझे लगता है एच वन टैग ज़्यादा बेटर है क्योंकि मुझे जो स्कूल का नेम है हेडिंग है वो बड़ा रखना है, तो आई यूज एच वन एंड क्लोज एच वन, सेव एंड अगेन ब्राउजर पर जाना है जहाँ एंड रिफ्रेश योर, आ गया एस वी पी एन बोलता है। अब स्कूल का नेम तो आ गया, मुझे स्कूल से रिलेटेड अब कुछ लिखना है पैराग्राफ, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन भी तो देनी है। अगर आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज़ द टैग पी, आपको क्या टैग यूज़ करना है पी, क्लियर। पैराग्राफ पी मीन्स पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ यूज़ करना है। तो स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन या तो अपने हाथ से टाइप कर लीजिए या फिर अगर ऑलरेडी उस स्कूल का पेज है, जैसे मैं यहाँ पर ब्राउजर में स्कूल का कर रही हूँ एस वी पी एस 17 हुड्डा, एस वी पी एस 17 हुड्डा, मैंने पेज ओपन कर लिया, ये स्कूल की वेबसाइट है, राइट। आ गया हमारे स्कूल की वेबसाइट। अब इसमें से कुछ कंटेंट, कोई ऐसा पेज जिस पे कुछ लिखा हो, होम ऑलरेडी है, होम पर तो थे हम, स्कूल के बारे में कहीं कुछ लिखा हो, अकेडमी अबाउट अबाउट, राइट। तो अबाउट में ये हमारे स्कूल के बारे में आगे लिखा हुआ कि स्कूल कब का था, किसने बनाया था, राइट। तो यहाँ से हम कुछ लाइन कॉपी कर लेते हैं, ये लाइन्स जो है कंट्रोल सी कॉपी, हमने स्कूल की लाइन्स यहाँ से ले ली, आप उस लाइन्स को लिख सकते हैं। एंड पैराग्राफ बनाने के लिए अगर मैं टाइप करने लग जाती तो मुझे 15-20 मिनट लग जाते। तो आप देखिए लाइन्स जा रही है, फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए लाइन फॉर्मेट में वर्ड रैप। वर्ड रैप से क्या होता है कि आपका जो पेज है वो एक सिंगल स्क्रीन पर शो होता है, लाइन्स आगे नहीं जाती हैं, क्लियर। तो ये मैंने वहाँ से ले लिया एंड ये बन गया मेरा पैराग्राफ। तब आपको पैराग्राफ को क्लोज भी करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई एंड क्लोज योर पैराग्राफ। तो आपने क्या किया, पी से पैराग्राफ लिखा, पी से पैराग्राफ, पैराग्राफ मैंने लिख दिया स्कूल के बारे में जो भी लिखना था, देन क्लोज द टैग, टैग को क्लोज कर दिया, अगेन सेव योर फाइल, फाइल को अगेन सेव किया एंड रिफ्रेश योर फाइल, आपने फाइल को फिर रिफ्रेश कर दिया, क्लियर। तो मेरे पास स्कूल के जब मैंने वेब पेज बनाए स्कूल का नेम आ गया, अब स्कूल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आ गई। अब मैंने जो पेज था मीन्स जो पैराग्राफ था उसको अब क्लोज भी कर दिया। सो दिस इज योर पैराग्राफ, पैराग्राफ मीन्स पी टैग। तो आपने यहाँ पर आज सीखा पी टैग, आपने एच टैग सीखा, एच वन से हेडिंग दिया, एच वन से लेकर एच सिक्स तक हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, देन एक टैग और नया सीखा है आपने, दैट इज़ द पी, पी टैग, पैराग्राफ टैग, राइट। अब पैराग्राफ टैग के बाद अब सीखते हैं लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना जैसे आपको स्कूल में बताना है, स्कूल की एक्टिविटीज़ बतानी है कि स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एक हेडिंग दे देते हैं हम यहाँ पर, और इस हेडिंग को मैं लिखती हूँ एच टू में, थोड़ा सा छोटा हेडिंग है मेन हेडिंग से एच टू में, और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्कूल एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़, राइट, एंड क्लोज द हेडिंग, हेडिंग को आपने क्लोज कर दिया, राइट। स्कूल एक्टिविटीज़ लिखे। अब हेडिंग जो आप लिस्ट देते हैं वो टू टाइप्स की होती है, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी। ऑर्डर लिस्ट, ओ मीन्स ऑर्डर, एल मीन्स लिस्ट, तो याद हो गया टैग ऑर्डर, ओ एल ऑर्डर लिस्ट, राइट। टैग आ गया ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर क्या बनाना है, लिस्ट बनानी है, तो ये भी टैग याद हो गया एल आई लिस्ट, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए ओ एल ऑर्डर और एल आई लिस्ट। अब लिस्ट में क्या लिखना है और स्कूल एक्टिविटीज़ में क्या क्या कराना है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देती हूँ स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, फिर लिस्ट को अपने क्लोज भी करना है, ठीक है। फिर आपके स्कूल में म्यूज़िक एक्टिविटीज़ होती हैं, एल आई लिस्ट लगाया, फिर जिस एक्टिविटी को आप स्टूडेंट को शो करना चाहते हैं उस एक्टिविटीज़ का नेम लिखते हैं एंड देन क्लोज इट, राइट। फिर स्कूल
सो म्यूजिक को क्लोज करने के बाद वी टेक अनदर लिस्ट, अनदर लिस्ट ली एंड द नेम ऑफ द लिस्ट इज साइंस। एक एक्टिविटी साइंस से रिलेटेड कराते हैं, सी आई साइंस, एंड क्लोज योर लिस्ट। अपने लिस्ट को क्लोज करना है, क्लियर। सो दिस इज द ऑर्डर लिस्ट, नाउ क्लोज योर ऑर्डर लिस्ट। ओएल को क्लोज कर दिया, सेव योर फाइल, फाइल को सेव करना है विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल एस एंड अगेन फॉर ब्राउजर एंड रिफ्रेश योर पेज, क्लियर। नाउ वी हैव थ्री एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड साइंस, राइट। नाउ वट इज द ऑर्डर, अन ऑर्डर लिस्ट, वी टेक अनदर हेडिंग, एक हेडिंग और लिख लेते हैं H3 और इसका नाम लिख देते हैं अदर लिस्ट, अदर एक्टिविटीज। स्कूल में जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज, राइट, एंड क्लोज योर H3 टैग। इसको इसका हेडिंग मैंने H2 से थोड़ा सा स्मॉल लिया है, H3 हेडिंग, एंड अनऑर्डर लिस्ट अन्यू, अन एंगल टैग में ही लिखना है, अनऑर्डर लिस्ट, राइट। अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में मान लीजिए मैंने दो एक्टिविटीज और दिखानी है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, क्लियर। क्लोज योर लिस्ट, अपने अपने लिस्ट को क्लोज करना है, एंड अगेन एक और लिस्ट है और ये लिस्ट में मैंने दिया NCC एंड NSS, राइट। क्लोज योर लिस्ट, लिस्ट को आपने क्लोज कर दिया, राइट। देन क्लोज योर UL टैग। अब देखते हैं यू आर अनडिफाइंड टैग और डिफाइंड टैग ऑर्डर लिस्ट में क्या, ये अनऑर्डर लिस्ट है और ये ऑर्डर लिस्ट है। सेव योर पेज, देन गो टू द ब्राउजर, अगेन गो टू द ब्राउजर, रिफ्रेश। सो दिस इज द अदर एक्टिविटीज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो आपके आ गया, देखिए स्कूल SVPS हुड्डा 17 हुड्डा में H1 टैग था, इसलिए थोड़ा सा बिगेस्ट है, एंड स्कूल एक्टिविटीज में H2 टैग है, उससे थोड़ा स्मॉल, एंड अदर एक्टिविटीज़ में मैंने यूज़ किया H3 टैग, तो वो उससे स्मॉल है। डिफरेंस क्लियर। नाउ अब मैंने ये पैराग्राफ लिख तो दिया है, बट इस पैराग्राफ में मुझे जो है ये वाली जो लाइन है, जैसे फाउंडेशन है 1996 तक की जो लाइन है, ये टैग और लिखा हुआ है, तो ये 1996 तक की जो लाइन है, ये लाइन जो है मुझे ब्रेक करनी है। अब देखिए मैं यहाँ से ब्रेक हटा रही हूँ, कंट्रोल एस, ये मैंने ब्रेक हटा दिए। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश योर पेज, सब कुछ एक ही पैराग्राफ में आ रहा है ये सारा। अब मुझे 1996 तक का एक अलग लाइन में चाहिए पैराग्राफ, और इसके बाद ही चेंज तक का पैराग्राफ एक अलग लाइन में चाहिए, राइट। देन गो टू द नोट पैड, नोट पैड पर जहाँ से भी आपको लाइन ब्रेक करनी होती है, वी यूज़ द BR टैग। BR टैग को क्लोज नहीं करते, याद रखना BR टैग, और एक मुझे BR यहाँ पर चाहिए, तो मैंने यूज़ कर दिया BR टैग, क्लियर। सेव योर फाइल अगेन, गो टू द ब्राउजर एंड रिफ्रेश योर ब्राउजर। तो चेक करते हैं, देखिए अब आपके पैराग्राफ बन गए जहाँ पर मैंने लिखा था, राइट। वन पैराग्राफ, सेकेंड एंड थर्ड, क्लियर। अब जो पैराग्राफ मैंने लिखा है, वो पैराग्राफ को मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना। अब स्ट्रॉन्ग का मीनिंग देखिए, स्ट्रॉन्ग में मतलब एक पर्टिकुलर लाइन है जिसमें मुझे उसको स्ट्रॉन्ग करना। अब स्ट्रॉन्ग होता क्या है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, बिग है, स्मॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, ये यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक आपको स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग, ये मैंने स्टाइल सेलेक्ट किया STRONG, स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा इसको बोल्ड टाइप है, मेरा स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल तक, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग को कर दिया क्लोज। अब इस टैग से देखो क्या होता है, सेव योर फाइल एंड अगेन रिफ्रेश। मैंने स्वामी विवेकानंद वर्ड था, देखिए बन गया बोल्ड, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल। अगेन यहाँ से इसमें मुझे चौधरी धर्म सिंह जी हैं, इनका जो नेम है वो भी हाईलाइट करना है। देन आई विल यूज़ द स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग मैंने यूज़ किया, और जितना आपको हाईलाइट करना है उसके बाद उसको क्लोज कर दिया, क्लोज, कंट्रोल एस, चेक करते हैं, रिफ्रेश, मीन्स फाइल सेव नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेव योर फाइल, और मेरा टैग गलत है, देखिए मैंने स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग गलत है, दैट्स वाई उसने टैग नहीं लिया। चेक योर स्पेलिंग, स्ट्रॉन्ग, सेव, फाइल सेव, देन अगेन गो टू द ब्राउजर,
ब्राउजर पर गए एंड रिफ्रेश योर फाइल, बन गया लेट चौथे धर्म सिंह जी, ये भी आपका बोल्ड हो गया। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग टैग। अब बिग टैग का मीनिंग क्या होता है? आप मुझे यहाँ पर जो ये था, स्वामी विवेकानंद वॉज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863, और या फिर ये जो है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्कूल वॉज लेड ऑन 12 जनवरी 1996, इसको मुझे बिग करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, जहाँ पर भी आपको बिग टैग यूज़ करना है, बिग डिफरेंस चेक करेंगे कि बिग टैग से होता क्या है बिग, एंड लास्ट में जहाँ तक आपको लाइन चाहिए उसके बाद उस बिग टैग को आपको क्लोज कर देना। अंडरस्टैंड? बिग टैग स्टार्ट और बिग टैग को मैंने कर दिया क्लोज। नाउ सेव योर फाइल, फाइल को कौन से मैंने सेव कर दिए हैं, एंड रिफ्रेश योर फाइल। अब देखें क्या लाइन बड़ी हो गई। द फाउंडेशन स्टोन वाज स्कूल वाज लेड ऑन 12 जनवरी 1996 कंपेयर टू अदर टेक्स्ट। तो इनके कंपेरिजन अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक वर्ड ही हाईलाइट करना है, आपको पूरी लाइन हाईलाइट नहीं करनी है, पर्टिकुलर एक वर्ड हाईलाइट करना है, पूरा पैराग्राफ हाईलाइट नहीं करना है, देन यू कैन यूज द बिग। तो आप उसको बिग यूज कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इसको फॉन्ट कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग और बिग टैग। स्ट्रॉन्ग आपने यूज़ किया, बिग यूज़ किया, ऐसे आप स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ही चेंज द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड वर्ड को या गुड को मुझे स्मॉल करना। आपने अगर आपका फोन साइज बड़ा है और आप किसी एक चीज़ को स्मॉल करना चाहते हो, जैसे ये यमुनानगर सिटी है, यमुनानगर को मुझे स्मॉल करना है, तो मैंने इसके आगे लिखा जिस भी वर्ड को आप स्मॉल करना चाहते हैं उस वर्ड के आगे आपको स्मॉल टैग यूज़ करना है, एंड उस वर्ड के बाद उस स्मॉल टैग को आपको क्लोज कर देना कंट्रोल एस। क्लियर? देन रिफ्रेश योर पेज, पेज को आपको फिर से रिफ्रेश करना है, एंड चेक हैं, देखिए आपका यमुनानगर जो है वो स्मॉल हो गया। क्लियर? अब ये जो पेज है, इस पेज का मुझे ये वाइट वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, आई टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस पेज। इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, बॉडी, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे बीजी कलर, सी ओ एल ओ आर, याद रखना ओ यू आर नहीं लिखते, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए ब्लू, और ये मैंने कर दिया ब्लू, बॉडी बीजी कलर ब्लू, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या फाइल बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अगेन टू द ब्राउजर, अब मुझे मेरा जो वेब पेज है वो ब्लू कलर पर, बट ब्लू कलर पर अब मुझे जो टेक्स्ट है वो ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, आई वॉन्ट टू यूज येल्लो और वाइट, या तो येल्लो हो या वाइट हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहीं से आपने टाइप करना है टेक्स्ट राइट इज इक्वल टू वाइट, आपने ये टैग यूज करना है टेक्स्ट इज इक्वल टू वाइट, कंट्रोल एस से सेव, और आपने फाइल कर दिया। नाउ चेक क्या आपकी फाइल वाकई, तो आपका टेक्स्ट आ गया वाइट, बट इसमें मुझे जो SVPS 17 हुड्डा है राइट, इसको मुझे येलो कलर का लिखना है कि स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल जो है, जो एक्टिविटीज़ के नाम है वो मेरे येलो कलर के आए। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट कलर, क्या यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट कलर। तो आपने जो भी फॉन्ट कलर यूज़ करना है पैराग्राफ में या कहीं पर भी, तो आप फॉन्ट कलर यूज़ कर सकते हैं। तो H1 टैग के आगे हम करते हैं फॉन्ट कलर, मेरा H1 टैग ये था, और यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं फॉन्ट कलर, COLOR कलर इज इक्वल टू येल्लो, YELLOW येल्लो, इसको आप टैग को आपने क्लोज कर दिया। तो H1 टैग के बाद लिया, तो अब इसको यहाँ पर क्लोज भी करना है, FONT फॉन्ट राइट, फॉन्ट के नाम से फॉन्ट कलर आपने लिया है, फॉन्ट कलर इसमें स्पेस राइट, और फिर फॉन्ट को आपने क्लोज कर दिया कंट्रोल एस से क्लोज। नाउ अगेन गो टू द ब्राउजर एंड रिफ्रेश योर पेज, चेक करते हैं, तो मेरा SVPS 17 हुड्डा येल्लो कलर का आ गया। अब मुझे स्कूल एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ ये भी येल्लो चाहिए बीच में से, तो आपने अगर इन भी हेडिंग्स को, जितने भी हेडिंग्स हैं मुझे वो येल्लो कलर के चाहिए, तो सेम आपको फॉन्ट याद रखना है, मुझे फॉन्ट करना है, उस फॉन्ट जो है उसका कलर जो है मुझे येल्लो करना है, जो भी कलर आपको पसंद हो YELLOW मुझे येल्लो कलर करना है, और किसको येल्लो करना है, स्कूल एक्टिविटीज़ को, उसके बाद स्कूल एक्टिविटीज़ को अपने येल्लो करना है, देन क्लोज, उसके बाद आपने फॉन्ट को क्लोज भी करना है।
ये जो अदर एक्टिविटीज़ है यहाँ पर मैंने इसको येलो कर दिया, फ़ोन क्लोज कर दिया, लेकिन जो थर्ड वाली एक्टिविटी है मुझे उसको करना है रेड। अगेन फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, अब थोड़ा रेड करके देख लेते हैं, रेड इसको आपने क्लोज कर दिया, क्लोज दिस वन। अब क्या रेड करना था आपको, अदर एक्टिविटीज़ एंड देन अगेन क्लोज, और फिर आपने फ़ोन को जो है वो क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर दिया, रिफ्रेश एंड अगेन गो टू द ब्राउज़र, ब्राउज़र को आपने क्या कर दिया, रिफ्रेश, राइट। तो ये येलो कलर का आ गया और ये अदर एक्टिविटीज़ जो है आपकी रेड कलर की आ गई, क्लियर। नाउ मुझे क्या करना है, जहाँ पर मैंने स्कूल का नेम दिया है, स्कूल का टाइटल नेम है, वहाँ पर एक लिंक भी डालना है। लिंक क्या डालना है, लिंक ये है कि ये जो मेरा स्कूल की है, जैसे पैराग्राफ से ऊपर एक लिंक डालना है कि ये मेरा जो स्कूल का लिंक है, मतलब उस लिंक पर क्लिक करने के बाद मेरी स्कूल की वेबसाइट, प्रॉपर वेबसाइट, इस पेज पर अगर मैंने बनाया और मेरी स्कूल की अनदर कोई लिंक है वो ओपन करना चाहती हूँ, तो वी यूज़ द AHREF। तो AHREF किसके लिए यूज़ करते हैं, लिंक के लिए। चलो चेक करते हैं कि लिंक कैसे ओपन होता है और लिंक कहाँ पर यूज़ करेंगे हम। मुझे लिंक SVPS हुड्डा 17 के बाद लिखना है। मैं एक लाइन ब्रेक कर देती हूँ यहाँ पर ताकि मुझे पता चले BR मैंने लिया है, ठीक है, BR टैग ले लिया, और BR से लाइन का जो SVPS हुड्डा वाली लाइन है वो एक ब्रेक हो गई, एंड वी यूज द AHREF, ठीक है। हियर इज द लिंक रेफरेंस, और लिंक रेफरेंस कहाँ से जाइए, अगेन अब मुझे लिंक पता वेबसाइट का, देन गो टू द स्कूल वेबसाइट, स्कूल के वेबसाइट पर जाइए। देखिए ये है ना, ये जो एड्रेस बार में लिखा होता है ये SVPS 17 हुड्डा, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। अगर मुझे लिंक नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल सी से कॉपी, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने इसे कंट्रोल सी से क्या कर लिया, कॉपी। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद अगेन एड्रेस बार जो होता है जिसको URL बोलते हैं वहाँ से कंट्रोल वी हो गया, इसको कोट्स में लिखते हैं। जो एड्रेस था स्कूल का HTTP, अगर आपको याद है तो यहाँ से ले लीजिए, अगर याद नहीं है तो आपने क्या करना है, वहाँ साइट पर जाना है, जैसे मैं स्कूल की साइट पर गई हूँ, और साइट पर जाने के बाद आपको वहाँ से इसको कॉपी करना है, देन ए को आपने क्लोज कर देना, क्लियर। सेव योर फाइल, मैंने फाइल को सेव कर लिया, एंड सॉरी अगेन गो टू द ब्राउज़र, ब्राउज़र पर चले गए, एंड ये मेरे स्कूल की फाइल, रिफ्रेश योर पेज, लिंक आया है, इसने लिंक को शो नहीं किया क्योंकि मैंने लिंक का कोई नाम ही नहीं दिया है, राइट। उसने लाइव कर दी, अब यहाँ पर ये तो लिंक है लेकिन कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा कि आपके लिंक का नेम क्या है, क्लियर। तो मैंने जो लिंक है, मैंने लिंक का नाम लिख दिया, दिस इज स्कूल लिंक, मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज स्कूल, आप चाहो तो SVPS भी लिख, दिस इज स्कूल लिंक ऑफ, या फिर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते, क्लिक हेयर, हेयर टू ओपन स्कूल वेबसाइट, राइट। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल एस मैंने उसको सेव कर दिया, एंड अगेन गो टू द ब्राउजर, रिफ्रेश योर पेज, ये अभी भी नहीं आया है, तो प्रॉब्लम है। मैंने इसको लिखा HTTP, ओहो ARF, यहाँ पर जो था इसको क्लोज, एंगल्स को क्लोज करना भूल गई, राइट। मैंने एंगल जो था वो स्टार्ट तो किया है लेकिन एंगल को क्लोज नहीं किया है, दिस इज द अनदर प्रॉब्लम। नाउ रिफ्रेश योर पेज, देखा। तो मीन्स अगर आपसे एक भी मिस्टेक हो जाती है, मैंने एंगल को क्लोज करना भूल गई, मैंने यहाँ एंगल नहीं लगाया था तो मेरा ये टैग शो नहीं हो रहा था। नाउ क्लिक टू ओपन, अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखो स्कूल की वेबसाइट ओपन हो गई, कंसेप्ट क्लियर। सो क्लिक हियर टू ओपन स्कूल वेबसाइट, और ये स्कूल की वेबसाइट ओपन हो गई, क्लियर। गो टू द ब्राउज़र, ब्राउज़र पर वापस आएंगे। अब ये जो है ना क्लिक हेयर टू ओपन स्कूल वेबसाइट, इसको अगर मैं थोड़ा सा बिग कर दूँ, थोड़ा सा ओल्ड कर दूँ, ये यहाँ रहा,
तो आप क्या लिख सकते हैं इसके आगे, स्ट्रॉन्ग, राइट, इसके आगे स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, प्लस इसको स्ट्रॉन्ग के बाद स्ट्रॉन्ग ये बोल्ड में आ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग को मैंने यहाँ पर कर दिया क्लोज, थोड़ा बड़ा आ जाएगा, राइट। और जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो फॉन्ट कलर है वो भी अगर आप येलो करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू येलो, ठीक है, और उसके बाद इस टैग को क्लोज कर दीजिए, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू येलो, और फिर आप यहाँ पर फॉन्ट को क्लोज कर दीजिए। अब देखना वही टैग है, सेम टैग हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, बट आपको यूज़ कहाँ करना है वो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये वाली चीज़ ये मुझे पर्टिकुलर इस पॉइंट पर चाहिए, इस लाइन चाहिए, रिफ्रेश ये आ गया। और देखो फॉन्ट कलर इज इक्वल टू येलो, टैग कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है, अगेन गो बैक टू योर पेज, कहाँ पर मिस्टेक हुई है देखिए, फॉन्ट के आगे फिर टैग एंगल लिखना भूल गई, और फॉन्ट कलर, समझ गए, फाइल सेव, देन गो टू द पेज, रिफ्रेश योर पेज, आ गया। तो जैसे सो इन दिस वीडियो, इन दिस प्रैक्टिकल यू हैव लर्न सो मेनी टैग्स, आपने बहुत सारे टैग सीखे हैं, आपने सीखा है बार टैग, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, H1 टैग हेडिंग के लिए है, PE टैग पैराग्राफ के लिए है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग है वो आपके टैग को बोल्ड करने के लिए, जो फॉन्ट कलर टैग है, फॉन्ट जो हम यूज़ करते हैं, एलिमेंट यूज़ करते हैं, फॉन्ट जो आपका कलर, फॉन्ट कलर आपके जो टेक्स्ट का कलर है उसको चेंज करने के लिए है, BR जो है इसमें जो BG कलर है, BG मीन्स बॉडी बैकग्राउंड कलर है आपका, ये आपके पेज के बैकग्राउंड को चेंज करता है, कलर को चेंज करता है। ऑर्डर लिस्ट आपने OL टैग यूज़ किया है, अनऑर्डर लिस्ट यूज़ किए हैं, सो यूज़ दिस टैग्स एंड क्रिएट ए ब्यूटीफुल पेज on the topic which you like.